गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाली हूँ दो फेयरनेस क्रीम की। पहली है हिमालय की नेचुरल ग्लो फेयरनेस क्रीम और दूसरी है विक्को टर्मेरिक क्रीम। इन दोनों क्रीम के क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सी स्किन टाइप वालों को कौन सी क्रीम ज्यादा सूट करेगी और इन दोनों में से कौन सी बेस्ट फेयरनेस क्रीम है, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ ब्रांड से तो ये हिमालय ब्रांड है और दूसरा वीको। दोनों ब्रांड आप जानते हो काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है, काफ़ी पुराना ब्रांड है और दोनों ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आयुर्वेदिक होते हैं, हर्बल होते हैं, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं होते। इन दोनों ब्रांड के प्रोडक्ट में आपको कई सारी जड़ी बूटियों और अच्छे अच्छे हर्ब्स के गुडनेस मिल जाएंगे। तो ब्रांड वाइज दोनों प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि दोनों ब्रांड के प्रोडक्ट काफ़ी हर्बल होते हैं। सेकंड में बात करूं पैकिंग की तो दोनों की पैकिंग आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ट्यूब पैकेजिंग में काफी हैंडी है, काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, बस कलर में डिफरेंस है। विक्को टर्मेरिक क्रीम आपको ऑरेंज ट्यूब में ऊपर येलो कवर के साथ मिलेगी और हिमालय क्रीम आपको व्हाइट पिंक ट्यूब में ऊपर ग्रीन कवर के साथ मिलेगी और बाकी पैकिंग एकदम सेम है। और अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो हिमालय की ये क्रीम आपको 25 ग्राम जस्ट 44 रुपीज में मिलेगी और वहीं ये विक्को टर्मेरिक की क्रीम इसकी एमआरपी 63 रुपीज है एंड इसकी क्वांटिटी है 15 ग्राम। तो आप देख सकते हो कि विक्को टर्मेरिक एज कम्पेयर टू हिमालय थोड़ी सी कॉस्टली है। मैं बात करूं कि दोनों क्रीम में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है तो हिमालय की क्रीम में आपको मेन इंग्रेडिएंट्स मिल जाएगा सेफ्रॉन यानी केसर, ये आपकी डल स्किन पे एक हेल्दी एंड नेचुरल ग्लो लाएगा। वहीं विक्को टर्मेरिक में आपको मेन इंग्रेडिएंट मिलेगा टर्मेरिक यानी हेल्दी, तो ये आपके एक्ने पिंपल की जो प्रॉब्लम होती है उसे ट्रीट करेगा, उसे काफी अच्छे से हील करेगा। इन शॉर्ट मैं बात करूं तो हिमालय की क्रीम आपकी स्किन पे एक हेल्दी एंड नेचुरल ग्लो देगी, आपके स्किन टोन को लाइट करेगी। वहीं विक्को टर्मेरिक आपकी स्किन पे हेल्दी ग्लो तो देगी, साथ ही आपके एक्ने पिंपल की जो प्रॉब्लम होती है उसे भी काफी अच्छे से ट्रीट करेगी क्योंकि इसमें आपको टर्मेरिक मिलेगा और टर्मेरिक में आप जानते हो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। अब इन दोनों क्रीम का मैं थोड़ा सा ओरिजिनल टेक्सचर आपको दिखाती हूँ और दोनों को अपने दोनों हैंड पे लगा के दिखाती हूँ कि इन दोनों क्रीम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं हिमालय की क्रीम लगाती हूँ तो इसका सेट आप जानते हो थोड़ा सा पिच टोन में है, ये क्रीम आप देख सकते हो और बहुत ही ज्यादा ग्रीसी नहीं है, यू कैन सी। अब इसे मैं इस हैंड पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ और इसकी फ्रेग्रेंस भी हर्बल सी है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। इसे मैं इस हैंड पे अप्लाई करती हूँ। इस पर्टिकुलर क्रीम पे भी मैंने रिव्यू पे वीडियो डाली, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये क्रीम बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन पे। तो मैंने हिमालय की क्रीम इस हैंड पे अपने अप्लाई की। अब मैं थोड़ा सा विक्को टर्मेरिक क्रीम भी लगा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मेरी ये ट्यूब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो और कलर देख सकते हो क्योंकि इसमें टर्मेरिक मिला है तो येलो शेड में आपको मिलेगा और इसका टेक्सचर भी देख सकते हो, ये काफी ड्राई और मैट सा है। इन दोनों क्रीम में एक बात और सेम है कि दोनों क्रीम नॉन ग्रीसी फॉर्मूले के साथ हैं तो आपकी स्किन पे कोई भी चिपचिपाहट नहीं होती। अब इसे मैं अपने दूसरे हैंड पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। ये भी क्रीम बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाती है और बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है और इस क्रीम की फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्ट्रांग है तो हो सकता है कुछ लोग को इससे प्रॉब्लम हो। तो मैंने दोनों क्रीम अप्लाई कर ली, इस हैंड पे मैंने हिमालय की क्रीम अप्लाई की है तो आप देख सकते हो थोड़ा सा इस हैंड पे मेरे व्हाइट कास्ट आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी व्हाइटनेस दिख रही होगी। और यहाँ पे मैंने विक्को टर्मेरिक क्रीम अप्लाई कर रही है तो आप देख सकते हो थोड़ा सा येलोइश शेड में ये हैंड मेरा दिख रहा होगा, आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। इस वाले हैंड में थोड़ा सा व्हाइटनेस दिख रही होगी और ये वाले हैंड में थोड़ा सा येलोइश शेड दिख रहा होगा, यही इन दोनों क्रीम में मेन डिफरेंस है। ये तो आपकी स्किन पे व्हाइट कास्ट देता है, इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है, जबकि ये वाली क्रीम आपकी स्किन पे एक एलोइश सा टोन देती है, मतलब एलोइश हेल्दी ग्लो देती है क्योंकि इसमें टर्मेरिक मिला है तो थोड़ा सा एलोइश ग्लो आता है। और चूंकि इसमें टर्मेरिक मिला हुआ है तो हो सकता है ये सबकी स्किन पे सूट ना करे क्योंकि क्या होता है जब आप टर्मेरिक अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो उसके बाद डायरेक्टली धूप में जाते हो तो हो सकता है आपकी स्किन पे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि विक्को टर्मेरिक क्रीम अप्लाई करके आप डायरेक्टली धूप में मत जाओ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और इसमें टर्मेरिक मिला तो टर्मेरिक सबसे स्किन पे सूट ना करे। तो दोनों आप देख सकते हो दोनों मैट फिनिश देती है, दोनों नॉन ग्रीसी फॉर्मूले के साथ है तो ऑल स्किन टाइप वाले दोनों को यूज कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि ड्राई स्किन वालों को विक्को टर्मेरिक क्रीम थोड़ी सी ज्यादा ड्राई लगेगी तो वो इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल मिक्स करके अप्लाई करेंगे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्दो ये दोनों क्रीम
कोई भी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। आपने देख लिया कि इन दोनों क्रीम में मेन डिफरेंस क्या है। इन दोनों क्रीम में मेन डिफरेंस यही है कि इसमें आपको टर्मरिक की गुडनेस मिलेगी और इसमें केसर की। तो ये आपके स्किन पे इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है, इंस्टेंट व्हाइट कास्ट छोड़ता है, पर ये क्रीम इंस्टेंट ब्राइटनेस नहीं देती, ये थोड़े से येलोइश शेड आपके स्किन पे देती है। तो हो सकता है सबकी स्किन पे सूट ना करे। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ही डल है, उसका कलर टैन या किसी वजह से बहुत ही डल हो गया है, बहुत सी बेजान से दिखती है, तो आप ये वाली क्रीम यूज करो। ये आपकी स्किन पे हेल्दी और नेचुरली ग्लो देगी, साथ ही आपकी स्किन टोन को भी लाइट करेगी। पर एक बात मैं ये भी कहूंगी कि एक बार या दो बार यूज करने से आपको इन दोनों क्रीम में से किसी का रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप रेगुलरली 1 महीने तक अगर दोनों क्रीम यूज करोगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। पर अगर आपकी स्किन डल है, साथ ही आपकी स्किन पे एक्नी पिंपल की भी प्रॉब्लम है, उसके मार्क्स है, तब आप विको टर्मरिक क्रीम यूज करो। ये काफी अच्छे से एक्नी एंड पिंपल को ट्रीट करती है, साथ ही उसके मार्क्स को भी काफी अच्छे से ट्रीट करती है। जब आपकी स्किन पे कोई मार्क्स नहीं रहेंगे तो ऑलरेडी आपकी स्किन का टोन लाइटर हो जाएगा। आपकी स्किन का टोन डल इसीलिए होता है क्योंकि उस पर कई तरह के मार्क्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपकी स्किन का सेट एक सेट डार्क हो जाता है। और जब उस पर कोई मार्क्स ही नहीं रहेगा तो ऑलरेडी आपकी स्किन का टोन एक सेट लाइटर हो जाएगा। तो अगर आपकी स्किन पे एक्ने, पिंपल या किसी तरह के मार्क्स की प्रॉब्लम है तो आप ये वाली विको टर्मरिक क्रीम यूज करना। ये और एक या दो बार यूज करने से आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, 1 महीने तक रेगुलरली यूज करो तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये क्योंकि इसमें टर्मरिक मिला और साथ ही इसमें आपको चंदन भी मिल जाएगा, और दोनों एक्ने पिंपल प्रोन स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। तो एक बार आप इसे यूज करके जरूर देखना। और अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल ऐसी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज के मार्क्स नहीं है, तब आप हिमालय की क्रीम यूज करो। और हाँ दोस्तों, मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, कोई भी नई चीज यूज करने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। अदो ये दोनों क्रीम आयुर्वेदिक है, किसी स्किन टाइप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, पर हो सकता है कुछ लोग की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो प्लीज एक बार यूज करने से पहले इसका पैच टेस्ट जरूर करना। अगर आपको कोई एलर्जी सेंसेशन नहीं होता तभी ये क्रीम यूज करना। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि इन दोनों क्रीम में मेन डिफरेंस क्या है। अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है, स्किन डल है, तो आप ये वाली क्रीम यूज करो। और एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपकी स्किन डल हो गई है, तो आप हिमालय की क्रीम यूज करो। तो यही था मेरा छोटा सा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको इन दोनों क्रीम को कंपेयर करके बताया। और अगर फेयरनेस की बात की जाए तो दोनों बेस्ट फेयरनेस क्रीम है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो अपने स्किन के अकॉर्डिंग। वैसे दोनों क्रीम और स्किन टाइप को सूट करेंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलो, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।